टॉपिक हमारे पास है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट देखो, सारे हमने काम कर लिए, हमने ऑडिट नोटबुक बनाई, हमने वर्किंग पेपर बनाया, अब हम क्या तैयार कर रहे हैं? ऑडिट रिपोर्ट, मतलब वो चीज़ बनाने जा रहे हैं जिसके बिहाफ पे मैनेजमेंट फैसले लेगा अपने एम्प्लॉय को लेकर के, अपने इंटरनल कंट्रोल को लेकर के, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट इज एन एंड पार्ट ऑफ ऑडिटर वर्क एंड रिप्रेजेंट एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज एन एक्सलेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑडिटर्स एंड द मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स। यानी ऑडिट रिपोर्ट एक बताती है, लास्ट पॉइंट है ऑडिट रिपोर्ट, उसके बाद हमारा काम खत्म। ऑडिट रिपोर्ट से पहले सारे काम होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट द लास्ट वर्क, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट क्या करती है, ये कम्युनिकेट करती है किसके बीच में? ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में, ये ऑडिटर और शेयर होल्डर के बीच में, हमने ये काम किया है, ये गलतियां निकाली हैं, उसको पढ़ लेना। तो अब हम पढ़ लेते हैं कितने प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट होती हैं। पहला है क्लीन या अनक्वालिफाइड, दूसरा क्वालिफाइड रिपोर्ट, तीसरा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और चौथा एडवर्स और नेगेटिव रिपोर्ट। क्या समझेंगे इसके बारे में? क्लीन रिपोर्ट कैसे? When the report of auditor does not contain any qualification, exception or reservation, it is a clean report. मतलब समझ गए आप? मतलब मेरी रिपोर्ट में कोई भी गलतियां, कोई भी डाउट मुझे नजर नहीं आए, सब कुछ मेरे हिसाब से परफेक्ट, तो उसे हम बोलेंगे क्लीन रिपोर्ट। जैसे मान लीजिए आप एक्सरे कराएं और एक्सरे में लिखा हुआ है नो एनी सिचुएशन क्रिटिकल फाइंड, यानी आपका एक्सरे नॉर्मल है। आप ब्लड टेस्ट कराएं तो लिखा होगा नॉर्मल, इसका मतलब कोई रिपोर्ट में कोई डाउट हमें नहीं, ठीक है। क्वालिफाइड क्या होती है? The auditor's report which is not clean and contain any exception, qualification, reservation is qualified report. इसका उल्टा, जिसमें कोई qualification है, जिसमें कोई doubt है, जिसमें कुछ संदेश है, ठीक है ना, तो उसे हम बोलते हैं qualified, यानी किसमें कुछ doubt है। Doubt क्या है? लिखे होते हैं audit report में। जैसे मान लो सब कुछ ठीक है, सेल भी ठीक है, बट 2-3 बिल में डाउट है। GST ठीक है, अक्टूबर मंथ में पे नहीं हुआ, ऐसा क्वालिफाइड। सब कुछ खराब नहीं है, लेकिन कुछ में गड़बड़ है। Disclaimer: At time auditor is unable to examine the books of accounts and other record fully or substantially. Sometimes books of accounts are seized by the authority, like custom ने सीज कर लिया, सेल टैक्स ने, इनकम टैक्स ने, they are not available to the auditors for verification or books are destroyed due to flood. मतलब मैं ऑडिट करने गया था लेकिन मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मिली, मैंने कहा वाउचर दिखाओ, उन्होंने कहा वाउचर तो जल गए। क्या जल गए? वो आग लग गई थी। मैंने कहा चलो वो सैलरी स्लिप दिखा दो सारे एम्प्लॉय की, वो तो उनका छाप पड़ा था सीबीआई को, ले गए। तो मतलब मैं ऑडिट करने गया हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट, मुझे डाटा नहीं मिल पाया, तो मैं कैसे ओपिनियन दूँ? तो इसे बोलेंगे डिस्क्लेमर। डिस्क्लेम का मतलब होता है हम डिस्क्लेम कर देते हैं, मैं अभी कुछ कहने के योग्य नहीं, यानी मुझे अभी समय चाहिए या वट एवर, आई कैन नॉट प्रोवाइड ओपिनियन, ठीक है, समझ में आएगा। लास्ट एडवर्स या नेगेटिव रिपोर्ट, ऑडिटर विल गिव adverse or negative report when there is a sufficient basis for auditor to form an opinion that the accounts are that accounts and statement do not reflect true and fair view such that condition result in operation. मतलब जब मुझे लगता है कि सब कुछ गड़बड़ है या मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एक्शन की जरूरत है, हम क्या देता हूँ? एडवर्स रिपोर्ट देते हैं हम लोग। यानी हम डॉक्टर लिखता है, तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, तुरंत बिना किसी डी ले करे, तो हम क्या रिपोर्ट देंगे? एडवर्स। Where the reservation or qualification is so material, the auditor cannot issue qualified report. He will issue adverse or negative. बताएं, देखो लिखा, जहाँ पे गलती छोटी मोटी है लेकिन गलती है, तो जाएगी कौन सी? क्वालिफाइड रिपोर्ट। लेकिन गलती बहुत बड़ी है, मटीरियल बोलते हैं जानदार मालदार, तो हम उसे बोलेंगे एडवर्स रिपोर्ट दी है मैंने, प्लीज़ जरूर चेक कर लें। क्लियर? ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट।